दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है कि LIC ADO का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। आपको ध्यान होगा कि मैंने LIC ADO की सैलरी स्लिप का एक वीडियो डाला था, शायद नवंबर या दिसंबर मंथ में। उस वक्त मैंने कहा था कि LIC ADO का जो नोटिफिकेशन है वो 1-2 महीने के अंदर अंदर रिलीज हो जाएगा। आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि LIC ADO के अंदर नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक कितना टाइम पीरियड टोटल लगता है। जो डेट अभी बताई जा रही है नोटिफिकेशन की और जो पिछली बार जो डेट आई थी उससे हम पूरा कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि आपको टोटल कितना टाइम लगेगा नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक LIC ADO का पूरा प्रोसेस करने में। सबसे पहले हम देखेंगे कि LIC ADO की जो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था उसकी डेट क्या थी। उसकी डेट थी 20 मई 2019, और इस बार जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है 16 जनवरी 2023। इसके बाद नोटिफिकेशन के बाद प्री एग्जाम हुआ था इनका 6 जुलाई और 13 जुलाई को 2019। यानी नोटिफिकेशन आपका 20 मई आया था, तो आपको लगभग 1.5 से 2 महीने का समय मिला था तैयारी का प्री एग्जाम के लिए। इस बार जो प्री एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो है 12 मार्च 2023। उसके बाद प्री का रिजल्ट कब आया था पिछली बार, तो वो आया था 29 जुलाई को। यानी आप देखेंगे कि 13 जुलाई को आपका प्री हुआ और 6 जुलाई को प्री हुआ, उसके बाद 15 से 18 दिन के अंदर अंदर इसका आपका प्री का रिजल्ट आ गया। तो इस बार एक्सपेक्टेड प्री का रिजल्ट हम देख सकते हैं अराउंड 27 मार्च 2023 को। इसके बाद मेंस का जो एग्जाम डेट था, मेंस के एग्जाम डेट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी पिछली बार का जितना मैंने सर्च किया है, कि ये पहले 11 अगस्त 2019 था, फिर ये रीशेड्यूल हुआ और ये फिर 22 सितंबर 2019 हो गया। इस बार जो मेंस का एग्जाम डेट बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड वो है 8 अप्रैल 2023। फिर हम देखेंगे कि मेंस का रिजल्ट कब आया था पिछली बार, तो वो आया था 15-16 अक्टूबर 2019। 15 और 16 अक्टूबर में से एक डेट थी जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया था, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इस बार मेंस का रिजल्ट जो है वो आपका अराउंड 1 मई 2023 के आसपास आने की संभावना है। उसके बाद इंटरव्यू आपका पिछली बार था 1 से 4 नवंबर के बीच, अलग अलग जोन के अलग अलग इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे, तो ये 1 से 4 नवंबर के बीच हुए थे। किसी जोन का 1 नवंबर को हुआ, किसी का 3 नवंबर, किसी का 2 नवंबर। तो इस बार अगर हम कैलकुलेट करें मेंस के रिजल्ट के बाद अगर हम टाइम जोड़ें तो इस बार आपका इंटरव्यू 15 मई 2023 के अराउंड शेड्यूल हो सकता है। इंटरव्यू के बाद अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें तो फाइनल रिजल्ट आपका 15 नवंबर 2019 के बाद से अलग अलग जोन के आने चालू हो गए थे। किसी का 15 नवंबर को आया, किसी का 20 नवंबर को आया, तो ये अलग अलग जोन के जो रिजल्ट हैं वो 15 नवंबर के बाद आने चालू हो गए थे। यानी इंटरव्यू होने के 15 दिन बाद से रिजल्ट आपका आ सकता है। तो इस बार हम कैलकुलेट करें तो ये 31 मई 2023 के अराउंड रिजल्ट आने आपके फाइनल चालू हो जाएंगे इंटरव्यू के बाद के। और उसके बाद ज्वाइनिंग अगर हम देखें तो ज्वाइनिंग दिसंबर जनवरी 2020 में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी। यानी किसी जोन की दिसंबर में हुई थी, किसी जोन की जनवरी के अंदर हुई थी। तो इस बार अगर हम देखें तो ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है जून जुलाई 2023 के अराउंड आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। दोस्तों, LIC ADO वर्सेस LIC EO का एक और वीडियो हमारे चैनल पे डाला है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कि EO और ADO में क्या डिफरेंस होता है। अगर इस तरह के और वीडियो LIC के चाहते हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं। और उनके अलावा और वीडियोस आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।